बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्किन, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 19 और 20 पर मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्किन। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है वो बेसिकली क्या बनाती है, हमारी स्किन बनाती है। और ये एक ऑर्गन है हमारे पास, जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो स्किन भी हमारे पास एक ऑर्गन है, लेकिन ये उन तमाम ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन है, यानी लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सेंस क्यों बोला जाता है सेंस ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पर बहुत हमारी स्किन में बहुत से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि किसी भी चेंज को वो डिटेक्ट कर लेते हैं। लाइक हम जब कोई चीज़ टच करती है स्किन को तो हमें फौरन फील हो जाता है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो जिसकी वजह से हम फील कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्किन की बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है और एपिडर्मिस से बिलो अंदर की तरफ जो सेकंड लेयर होती है वो हमारे पास होती है डर्मिस। अब यहाँ पर देख सकते हो ये आउटर लेयर जो है ये एपिडर्मिस है, ठीक है, और इनर की तरफ जो लेयर होती है एपिडर्मिस से अंदर की तरफ वो हमारे पास है डर्मिस। वन बाय वन हम इन दोनों लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्किन की फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रही है। सेल्स पर मुश्तमिल होती है एपिडर्मिस की लेयर्स, और कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम मेलेनोसाइट्स बोलते हैं, और वो कुछ खास किस्म की पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको मेलानिन बोला जाता है। उस पिगमेंट का काम क्या है कि स्किन को डिफरेंट कलर जो होते हैं स्किन के जो हमें नज़र आते हैं अपने एनवायरनमेंट में, लाइक वाइट कलर हो गया या ब्लैक कलर हो गया, लाइट ब्राउन कलर, डिफरेंट स्किन के जो कलर्स होते हैं वो इस पिगमेंट की वजह से होते हैं जिसको हम मेलानिन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस एपिडर्मिस की लेयर का क्या काम होता है कि ये बैरियर का काम करती है, यानी बॉडी से जो है वाटर लॉस वगैरह जो है उसको बचाती है, और इसके अलावा बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है जर्म्स वगैरह जो है विद इन द बॉडी उनको एंटर होने से रोकती है। तो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है और हार्ड होती है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी हिफाजत करती है। उसके अलावा अगर आप देखो तो आप एपिडर्मिस से नीचे हमें सेकेंड लेयर नज़र आती है जिसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस बोला जाता है। डर्मिस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, ठीक है, और हर स्ट्रक्चर का डिफरेंट अपना अपना काम होता है। लाइक अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो बेसिकली पसीना जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो इस स्वेट ग्लैंड की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये पसीना प्रोड्यूस करते हैं जो एपिडर्मिस से फिर पोर एक सुराख के जरिए जो है बॉडी से रिलीज हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस होते हैं ना, ऑयली ऑयल आ जाता है स्किन पर, वो बेसिकली इस वजह से आता है, इन ग्लैंड्स की वजह से आता है, इन स्ट्रक्चर की वजह से आता है, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एपिडर्मिस से फिर पोर के थ्रू जो है वो रिलीज होता है ऑयल। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है कि ये जो लेयर है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। हर सेल हमें पता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही एनर्जी हासिल कर सकता है, तो लिहाजा ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं डर्मिस और एपिडर्मिस की लेयर्स को। इसके अलावा अगर आप देखें तो हेयर एपिडर्मिस की लेयर से हेयर भी निकल रहे होते हैं, तो उनकी जो बेस होती है जहाँ से वो निकलते हैं वो कहाँ पर मौजूद होती है, डर्मिस लेयर में मौजूद होती हैं। ठीक है, और जो हेयर्स होते हैं उनको बेसिकली नरिशमेंट यहाँ से मिल रही होती है। इसके अलावा नर्व एंडिंग होती है, हमने कहा था ना कि स्किन हमारे पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। इट्स मीन ये टच अगर कोई चीज़ करती है हमारी स्किन को तो हमें फील हो जाता है, या टेम्परेचर जो है वो भी हमें फील होता है, प्रेशर वगैरह, पेन वगैरह। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने कहा था कि स्किन एपिडर्मिस में बहुत से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सेंस कर लेते हैं डिफरेंट जो भी तब्दीली आ रही होती है एनवायरनमेंट में, उसको सेंस करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मैसेज ब्रेन को भेजते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी मौजूद होती हैं जो इन सारी तब्दीलियों को जो है वो सेंस करती हैं, सेंसेशन प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास डर्मिस में मौजूद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये इन दोनों लेयर्स का काम है बेसिकली। सो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि स्किन क्या है, इसकी दो लेयर्स के बारे में एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में पढ़ा कि एपिडर्मिस का क्या रोल है और डर्मिस में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और क्या रोल अपना अपना परफॉर्म करते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। शुक्रिया।